हेलो स्टूडेंट, तो बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 1 करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, हम जो अंदर वाले क्वांटिटी है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी किसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, सिर्फ आप लोग पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको आप ले लेंगे इजिकल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। या आपके पास बेटा टू फैक्टर्स है, एक्स माइनस ए है, सेकेंड एक्स माइनस बी है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिया और बी के नीचे सेकेंड फैक्टर दे देता है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हुआ बेटा, तो आपके पास आपको मिला पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा ए एक्स माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ये आपके पास आ गया। यहाँ से एक्स को इकट्ठा कर लीजिए बेटा, एक्स की जो टर्म्स है वो इकट्ठे कर लीजिए, तो ये आपको मिल गया ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस ए, ये बी कॉमन आपने ले लिया, ठीक है। ये तो जुक भी नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म ही बेटा, कुछ कॉमन नहीं लेना इसके अंदर, तो ये माइनस बी है और प्लस ए बी, ये हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू, अब कोफिशियंट कंपेयर करिएगा, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ लाइक टर्म, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ठीक है, कोफिशियंट देखे तो और बेटर रहेगा बेटा, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ लाइक टर्म्स कंपेयर करेंगे तो यहां पे देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स पी है, यहां पे ए प्लस बी है, तो यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू पी आएगा, एंड यहां पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्यू है, यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्यू हो गया। यहां से आप ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू बी की फॉर्म में निकालिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, यानी दोनों को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालिए, ए और बी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए और बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस है। देखिए ए अपॉन दिस फैक्टर प्लस बी अपॉन दिस फैक्टर लिया, एलसीएम ले लिया, कोफिशिएंट कंपेयर किए, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, ए और बी की वैल्यू यहां पुट की, फिर इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हैं। तो ये टाइप नंबर 1, इसके ऊपर बेटा प्रैक्टिस। सो बेटा इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये इंटीग्रेशन है बेटा, ये इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है यानी कि सॉल्व करना है, तो जो अंदर सॉल्यूशन में जो अंदर वाली क्वांटिटी है पार्शियल फ्रैक्शन होगा बेटा उसकी। तो देखिए क्या करेंगे आप, लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ये मान लिया भाई तो नंबर 1 है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। इसके बाद ये आपने क्या किया, एलसीएम लिया है, यहाँ पे तो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बेटा है, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आएगा, ये कैंसिल हुआ। सो आपके पास यहां से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस बी, ये मिला बेटा। सो एक्स इज इक्वल टू
एक्स की टू टर्म्स है, कॉमन ले लीजिए एक्स, ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी, ये बेटा ठीक है। अब कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ लाइक टर्म्स, आप कंपेयर करें कोफिशियंट, यहां पे कोफिशियंट ऑफ एक्स ए प्लस बी है, यहां पे वन है बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। सेकेंड यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म टू ए प्लस बी है, यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं तो जीरो, इस साइड में कोफिशियंट ऑफ एक्स यहां पे वन, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो, या कोफिशियंट ऑफ एक्स ए प्लस बी तो ए प्लस बी इक्वल टू वन हो गया और टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। ये इक्वेशन नंबर टू नाम दे दीजिएगा इसको, और ये इक्वेशन नंबर थ्री दे दीजिएगा, सोल्विंग टू एंड थ्री, सोल्विंग टू एंड थ्री, जब टू और थ्री को सोल्व करोगे उसको टू से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू, ये आपके पास है टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये बेटा माइनस करो ठीक है, माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, टू बी माइनस बी बी आ जाएगा तो बी इज इक्वल टू टू, बी की वैल्यू टू आ गई, जैसे बी की वैल्यू टू रखेंगे आप इसके अंदर रखिए, टू से अगर बी की वैल्यू आप टू रख देंगे तो ए प्लस टू इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन आ गई और बी की वैल्यू टू आ गई, क्लियर है आंसर को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, अब क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू यहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग, चलो यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन वी गेट, क्या है अगर वन के अंदर प्रूव करेंगे, सो आपके पास आएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ए की वैल्यू माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन मिला ठीक है, बी की वैल्यू टू तो ये टू अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका मतलब इसकी ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रल निकालना है बिकॉज इसकी वैल्यू आपके पास ये है। अब देखिएगा इनको अलग अलग कर दीजिए, सो माइनस को तो बाहर कर दीजिए, वन बाय एक्स प्लस वन का इंटीग्रल निकालना है, टू को बाहर कर दीजिए, वन बाय एक्स प्लस टू इसका इंटीग्रल निकालना है, ये काफी सिंपल है, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन याद होगा लॉग एक्स होता है, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो वन बाय एक्स प्लस वन का ये हो जाएगा माइनस से लॉग एक्स प्लस वन, ऐसे ही ये टू तो एज इट इज, वन बाय एक्स प्लस टू का लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी बेटा, क्लियर, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करते एक काम करो आप याद होगा ना एक फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों को याद भी है, जाने देता हूं एम लॉग एन, सो ये क्या होता है लॉग एन की पावर एम, यानी कि लॉग में जो क्वांटिटी आगे होगी वो पावर में चले जाएगी, तो ये यहां पे पावर में टू हो जाएगा ठीक है, ठीक है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिला लॉग एक्स प्लस टू की पावर टू माइनस से लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, अब ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन भी आपको याद होगा, यहां देखिएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है आपके पास लॉग ऑफ एम बाय एन, तो यहां पे ये रिप्लाई कर दीजिए लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस टू स्केयर
अपॉन एक्स प्लस वन, इसका मोड कर दीजिए क्योंकि स्केयर है, स्केयर तो पॉजिटिव ऐसे ही होता है, एन प्लस सी। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा, आई थिंक कल ये चीजें हो गई होंगी। देखिए पहले आपने क्या किया, इसका सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी की वैल्यू निकाली, जैसे ही आपने ए और बी की वैल्यू निकाली आपने यहाँ पे पुट कर दी ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे और बी की वैल्यू यहाँ पे। वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, बहुत सिंपल हो जाता है बेटा। जैसे वन बाय एक्स प्लस वन का लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस वन होगा, वन बाय एक्स प्लस टू का लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा, ये आप ऐसे कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया। देखिए बेटा जैसे आप सीबीएसई में करते हैं तो आपको इस लॉन्ग पैटर्न से गुजरना ही पड़ेगा, बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो लॉन्ग पैटर्न है ही है, लेकिन मान लीजिए आप कोचिंग में कर रहे हैं, आईआईटी के लिए जा रहे हैं, फिर आपके पास एक शॉर्ट टेक्निक भी है इसको सॉल्व करने की, वो टेक्निक भी देख लीजिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए मिला, बोर्ड के लिए नहीं, ये टेक्निक बोर्ड के लिए नहीं है। देखिए ये शॉर्ट टेक्निक भी देखिए, ये है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले आप इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखो, इसको जीरो के इक्वल रखोगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। देखो यहाँ तो माइनस वन रखेंगे नहीं, क्यों भाई, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो अगर किसी नंबर के नीचे जीरो तो वो इनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप रखेंगे नहीं, तो बाकी हर एक दिन एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस वन, यहाँ आप कुछ नहीं रखेंगे इस फैक्टर के, इसको छुपा लीजिएगा, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे बेटा, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू तो वन आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाइए, फिर इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखिए, एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी, इस फैक्टर को जो जीरो के इक्वल रखा था एक्स की वैल्यू माइनस टू आई, माइनस टू यहाँ नहीं रखेंगे, फिर वही प्रॉब्लम होती है, क्यों नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ नहीं रखेंगे, बाकी हर एक जगह माइनस टू रख दीजिए, तो ये माइनस टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन एंड इट इज एक्स प्लस टू, ये बेटा। अब देखिए ये माइनस टू ये माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टू आ जाएगा, ठीक है। ये तो वन था ही, इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा है, यहां से डायरेक्ट आपके पास, देखिए आप यहां पे पहुंच गए, ये देखिए यहां डायरेक्ट, इसका मतलब आपने डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल दी, ये ए की वैल्यू आई है और ये बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपके पास यहां से डायरेक्ट निकल जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसके बाद तो ये कर रखा है मैंने, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस से लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और ये क्या होगा टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, इसको पावर में ले गए, ये ले लीजिएगा प्लस में से, अब लॉग एम माइनस लॉग एन आपने अप्लाई कर दिया, अभी बताया है, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का स्केयर अपॉन एक्स प्लस वन, इसका मोड प्लस से। क्वेश्चन शॉर्ट टेक्निक सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए, ठीक है। और ये बाकी अगर आपके पास बोर्ड में है तो देखो डेफिनेटली आया तो का क्वेश्चन, और जब बोर्ड में क्वेश्चन होता है तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग पूरे कंप्लीट पैटर्न से। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये थी आपके पास टाइप नंबर वन, तो हम टाइप नंबर वन पे ही काम कर रहे थे बेटा। अभी देखिए टाइप नंबर वन के बहुत से क्वेश्चन आपके पास, अब मैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करूं, सोल्व नहीं करूंगा, सोल्व आप खुद करेंगे, सिर्फ हिंट देंगे। क्वेश्चन नंबर टू ये आपके पास है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, नीचे देखिएगा, इसको एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कर लीजिएगा, अब वही पैटर्न है, ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस, ए बी की वैल्यू निकालो सोल्व करो, आप सोल्व इजिली कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करने की बात करूं, आप तो एक बार तो लॉन्ग पैटर्न से सीखेंगे सीखेंगे, तो डायरेक्ट की बात थी, इसको थ्री के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू होगी थ्री, यहां पे तो रखेंगे नहीं, तो एक्स को थ्री रखना, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, फिर यहां नहीं रखेंगे, तो माइनस थ्री और माइनस थ्री माइनस सिक्स हो गया, ये एक्स प्लस थ्री आपके पास है, ये बेटा ये वन बाय सिक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचा, वन बाय एक्स माइनस थ्री, ये माइनस वन बाय सिक्स भी कॉन्स्टेंट है, ये बचा ये आपके पास। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस थ्री, ये बेटा
दोनों में 1/6 कॉमन ले लो, इन दोनों में 1/6 कॉमन है, ये लीजिए बाहर लिख देता हूँ। अब अंदर फार्मूला लगा दीजिए लॉग एम माइनस लॉग एन का, वो भी आपको याद अभी बता रहा हूँ, लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इसका मोड प्लस प्लस सी, ये क्वेश्चन हो गया सो, है ना। तो इजिली कर सकते हैं आप, तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर टू जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो टाइप नंबर वन चल रही है, अगर आपको इसमें नीचे थ्री फैक्टर मिल जाए तो भी वह बात हो रही है, ठीक है। सपोज करिए जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं तो आपके पास है 3x-1, ये क्वेश्चन है 3x-1 अपॉन x-1 x-2 इंटू x-3, ये क्वेश्चन है। तो आप उसी टेक्निक से करेंगे, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3, फिर एबीसी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि आप इसको कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट टेक्निक से भी वही टेक्निक होती है, डायरेक्ट से करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए डायरेक्ट में इसको जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू वन, तो यहां तो एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, यहां रखेंगे ऊपर तो आ गया टू, थ्री माइनस वन टू, यहां आपको कुछ नहीं रखना था, एक्स की वैल्यू वन रखी तो वन माइनस टू माइनस वन हो गया, एक्स की वैल्यू वन रखी वन माइनस थ्री तो ये माइनस टू हो गया, फिर बीच में प्लस का साइन, अब एक्स को टू रखेंगे तो टू रखेंगे तो ये थ्री टू या सिक्स माइनस वन, ये ऊपर तो फाइव मिला आपको, ये टू माइनस वन वन हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखने नहीं, और ये टू माइनस थ्री ये माइनस वन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन माइनस वन आपको एट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री रखोगे थ्री माइनस वन टू हो गया, और थ्री माइनस टू वन हो गया, और ये एक्स माइनस थ्री, ये वैल्यू ये आपके पास, कैंसिल कर दीजिए, टू फोर जा एट मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस वन और माइनस टू तो टू हो गया, टू से टू भी बन जाएगा, तो सिंपली क्या मिला आप लोगों को, वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये माइनस का फाइव हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ये सिंपल सा क्वेश्चन मिला, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस फाइव, फाइव तो बाहर है ना, वन अपॉन एक्स माइनस टू का लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, फोर कॉमन है इसका होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस में सी, क्वेश्चन शोर्ट हो गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को यहां पे भी छोड़ सकते हैं। ये आपके पास बेटा टाइप नंबर वन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो भी टाइप नंबर वन का ही है, उसको भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है क्या, ये अगर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे नीचे तो फैक्टर वन नहीं होंगे आपके पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, फैक्टर कर दिए नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है बेटा, उसके फिर फैक्टर किए, तो यहां पे एक्स कॉमन आएगा तो ये एक्स प्लस टू मिलेगा, वन कॉमन आ गया तो एक्स प्लस टू यहां मिल जाएगा, सो ये आपके पास हो जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, फिर वही क्वेश्चन मिल जाएगा कोई ए वाई दिस प्लस बी वाई दिस, अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप देखिए जब आप ये पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आपको एक बात नोट करनी है, अगर आपके न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो आप डिवाइड करेंगे, ये बात लिख देता हूं यहां पे, इसको आप रिमार्क्स ले लीजिएगा, रिमार्क्स, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर
डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी डिवाइड न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख देना बेटा, डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी डिवाइड न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर. पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. ये बात अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बच्चे इसी पॉइंट पे गलती करते हैं. सो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बड़ा, ये याद रहेगी बात. ठीक है, अगर आपकी डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो देखिए बड़ा एक बार क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेट करना है आप लोगों को वन माइनस एक्स के अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स. तो कोई पूछे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ए अपॉन एक्स करके बी अपॉन वन माइनस टू एक्स करके सोल्व कर देंगे. नहीं बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए. क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप डिग्री चेक करो, आप डिग्री चेक करिए. जो ऊपर आपका न्यूमिरेटर है उसकी उसमें एक्स का हाईएस्ट पावर टू है, जो तो नीचे आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी एक्स की हाईएस्ट पावर टू आएगी, तो दोनों की डिग्री इक्वल आ गई. ठीक है, तो सिंपलीफाई करते रह देता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ. माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन. देखिए ऊपर आपके पास ये है वन माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा ऊपर से, तो ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन ले दीजिए, नीचे हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ये बन गया. अब एक्स की हाईएस्ट पावर टू, यहां पे भी एक्स की हाईएस्ट पावर टू, तो डिग्री इक्वल आ गई. डिग्री इक्वल है तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये बात लिख देते हैं यहां पे, हियर डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर हेयर डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट वी डिवाइड न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर. सो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, बच्चों की तरह डिवाइड करेंगे जैसे सिक्स क्लास के बच्चे करते हैं. ठीक है, ऐसे डिवाइड करना. देखिए यहां डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए ये आपके पास है एक्स के माइनस वन, ये डिवाइड कर रहा है टू एक्स के माइनस एक्स. तो यहाँ पे टू एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स स्केयर है, तो फर्स्ट वन बाय टू पे जाएगा, वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस वन बाय टू एक्स हो जाएगा. ठीक है, या साइन चेंज कर देते हैं तो ये तो आपको मिल गया वन बाय टू एक्स फिर माइनस वन ऊपर, ये आपके पास है. क्लियर, अब एक बात आपको पता है, जब आप जैसे नाइन को डिवाइड करते हैं, नाइन को नाइन को टू से करते हैं तो टू फोर जा एट होता है और ये वन आपका रिमाइंडर होता है. तो जो नाइन बाय टू है कैसे लिखते हैं इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं. क्लियर, तो यहां से भी ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू प्लस वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बेटा सेम पैटर्न पे लिखा है, ये तो कोशेंट है, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यहाँ पे भी यही चीज लिखते हैं, यहाँ पे भी यही लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखिएगा, क्लियर। ये आई हमेशा आई कंसीडर कर लीजिएगा, ये आई हो गया, तो ये आई की वैल्यू चल गई। तो यहाँ अब आपके पास आई क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग बताइएगा। सो आई की वैल्यू, आई आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू, ये है ना ये चीज, इसकी वैल्यू क्या मिली, वन बाय टू प्लस वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बेटा ये मिला, क्लियर। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन बाय टू इंटू एक्स हो जाएगा, इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इस चीज के, क्लियर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी, आप बोलोगे सर आप तो सारे डायरेक्ट कर रहे हो, फिर हमें बोल रहे हो आपको लॉन्ग पैटर्न से सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग पैटर्न से सॉल्व करता हूँ, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इस पोर्शन में करने हैं इसके, राइट, वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले तो इसको एक बार आप देखिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, है ना, चलिए पर ले लेता हूं एक्स कॉमन, तो ये हो गया आपके पास, ये मिल गया वन बाय टू एक्स माइनस वन, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा टू एक्स माइनस वन, ये बेटा ऐसे अब ले लेते हैं, लेट वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू एक्स माइनस वन, ठीक है। पैटर्न तो आपको याद हो गया, क्या करेंगे एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, यहाँ पे ए इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ पे है वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, तो कैंसिल हो गया। सो आपके पास ये आ गया वन बाय टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये आपके पास आया टू ए एक्स माइनस ए प्लस टू एक्स, ये बोला, ठीक है। देखिए इसको बस सॉल्व करने का आपको एक टेक्निक और बताता हूं, एक तो आपने सीखे भी, ठीक है, एक तो आपने क्या सीखा है, यहां पे एक्स की क्रम को इकट्ठे कर दो, तो यह आएगा टू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये टेक्निक तो ये मिल ही जाएगी, ये देखिएगा, और ये है वन बाय टू एक्स माइनस वन, है ना। एक तो आपके पास क्या है कोफिशिएंट कंपेयर किए तो ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू, यहां पे भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक से आप इसको कर लेंगे, तो क्या आएगा टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय टू ए इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका देखिए, इसमें क्या है बेटा, इसके दो फैक्टर ही है, एक बार तो इसको जीरो के एक बार रख लो, यहां पे पुट कर दो, पुटिंग जीरो रखोगे तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, इसके अंदर एक्स को जीरो रख दो आपको डायरेक्ट एक वैल्यू मिल जाएगी, ये जीरो हो गया तो ये माइनस वन, ये एक्स जीरो होते ही पूरी टर्म जीरो हो गई और ये हो गया माइनस ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू वन, क्लियर। एक बार सेकंड फैक्टर को जीरो पे एक बार रख लो तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, अब एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू पुट कर दो, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स को वन बाय टू कर दो, जब यहां से टू एक्स इज इक्वल टू वन हुआ ना तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू हो गया, तो यहां पे वन बाय टू पुट करोगे एक्स को तो क्या होगा बताइए, एक्स को वन बाय टू करोगे एक्स को वन बाय टू पुट कर देगा, ए की वैल्यू तो आपके पास आ रही है, ए की वैल्यू तो वन है, यहां से ए की वैल्यू तो वन है, अब आप एक्स को वन बाय टू पुट कर दोगे, एक्स को वन बाय टू, जब एक्स को वन बाय टू पुट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तो जब एक्स को वन बाय टू पुट करो ना
तो यहां से देख लिया, यहां से ये काम करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप खुद करके करोगे बेटा, इससे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये यहां से देख लीजिए और बिल्कुल सिंपल टेक्निक हो जाएगी। तो आपने सोल्व किया ये, फिर यहीं से देख लीजिए, पहले तो आपने एक्स को जीरो पुट किया, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स को जीरो पुट किया तो क्या मिला, ये माइनस वन यहां से इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो गई, एक्स को जीरो माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू बता। अब सेकंड क्या बोला मैंने, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, एक्स को वन बाय टू पुट करोगे तो वन बाय टू पुट करोगे तो ये तो मिल गया वन बाय फोर, वन बाय टू इंटू वन बाय टू, वन बाय फोर माइनस वन, एक्स को वन बाय टू ना करो, यहाँ पे वन बाय टू उसे टू, तो वन माइनस वन जीरो, टर्म जीरो हो जाएगी और ये हो गया डी इंटू वन बाय टू। ठीक है, ये वन बाय फोर माइनस वन, तो माइनस का थ्री बाय फोर इज इक्वल टू बी बाय टू हो गया, क्लियर। तो यहां से आपको मिलेगा बी की वैल्यू आ गई, उसे फोर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से थ्री बाय टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, ए की वैल्यू तो आपको क्या मिली वन, और बी की वैल्यू क्या मिली माइनस थ्री बाय टू। तो आप ये वैल्यू क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, पुट करिए, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू, यहां कर लेते हैं, ये वन बाय टू तो है बेटा, हमें तो ये देखो अल्टरनेट तो हमें ये निकालना है, फाइनली ये चीज निकालनी है। ठीक है, चलो फिर यही पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू वन पुट कर दीजिए, ठीक है, और बी की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू। इसके अंदर जो भी आपने लिखा था नंबर वन, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन, ठीक है, तो आपके पास क्या था, वन बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू आपने वन पुट की तो ये मिल गया वन बाय एक्स, बी की वैल्यू आपने माइनस थ्री बाय टू पुट की तो माइनस थ्री बाय टू और ये है टू एक्स माइनस वन, क्लियर। जो आपने वन प्रोसीजर कर रखा था ना उसमें वैल्यू पुट, अब देखिएगा जो हमें सॉल्व करना है उस पर आएगी, सॉल्व तो ये करना है ये वाली क्वांटिटी, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यानी सो आई इज इक्वल टू दिस, ये वन बाय टू तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू वन बाय एक्स माइनस थ्री बाय टू इंटू वन बाय टू एक्स माइनस वन, ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो वन बाय एक्स है माइनस थ्री बाय टू, तो ये वन बाय टू एक्स माइनस वन, ये देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट है, वन का एक्स, वन बाय एक्स का लोग एक्स माइनस थ्री बाय टू क्या है, माइनस थ्री बाय टू कॉमन, वन बाय टू एक्स माइनस वन का हो जाएगा लॉग टू एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव टू होता है, वो नीचे लिखना पड़ेगा, यहां पे याद करिए इंटीग्रेशन में अगर एक्स का कोई भी कोफिशियंट है तो नीचे लिखना पड़ेगा बेटा, या ऐसा बोल दीजिए इसका डेरिवेटिव किया और नीचे लिख दिया टू एक्स माइनस वन का, देखो अगर होता है एक्स माइनस वन तो डेरिवेटिव वन होता जरूरत नहीं थी बेटा यहाँ पे, तो ये टू एक्स माइनस वन है इसका अगर लॉग टू एक्स माइनस वन, फिर टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव टू वो नीचे लिख दिया प्लस में सी, सो फाइनली आपके पास आ गया वन बाय टू एक्स प्लस लॉग एक्स लॉग पे मोड माइनस थ्री बाय फोर, तो ये हो गया लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन इसका मोड प्लस में सी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या था कि जो न्यूमिरेटर था उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल थी तो हमें डिवाइड करना पड़ा। इसके बाद सिक्स के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर इलेवन खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में पहले आप डिवाइड करेंगे क्योंकि डिग्री इक्वल है, सॉरी डिग्री बड़ी है, इक्वल नहीं है बड़ी है, तो बड़ी में डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दोबारा सुन लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्यू 10 में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, उसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन करके कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू करके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये आप लोग खुद करेंगे। ये था टाइप नंबर 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।